हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज हम पढ़ने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन और कॉन्करेंट लाइंस के बारे में। तो चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उस पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन पर मान लेते तीन पॉइंट्स है, एक दो तीन, तो इन पॉइंट्स को आप कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। मैं इन्हें नाम देने जा रहा हूं ए बी सी। तो ये ए बी सी ये हो गए आपके कोलिनियर पॉइंट्स। और एक एग्जांपल देख लेते, ये हमारे पास में एक लाइन है, यहां पर मैं पॉइंट्स लेने जा रहा हूं पी क्यू आर और एस। तो देखिए इस लाइन पर चार पॉइंट्स है, पी क्यू आर एस, एक ही लाइन पर है चारों पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को भी हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो याद रखिए एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स रहे तो उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलते हैं सेकंड जो है रे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए रे की डेफिनेशन क्या कहती है। वन फिक्स्ड पॉइंट एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड इज कॉल्ड ए रे। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास में एक फिक्स्ड पॉइंट है और यहां से किसी लाइन की शुरुआत होती है, ठीक है, तो जो दूसरा एंड है उस दूसरे एंड का हमें पता नहीं होता, ये कहां तक जाएंगी ये लाइन इसका हमें पता नहीं है, इसे कहते हैं रे। तो जैसे यहां पर मैं ओ नाम दे देता हूं और यहां पर एक ए नाम दे देता हूं, तो इस ओ ए को हम रे कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे रे, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और जो दूसरा पॉइंट ये कोई फिक्स नहीं है, इस लाइन को आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं रहता है, सेकेंड एंड पॉइंट नहीं रहता है, उसी को कहा जाता है रे। उसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहां से कोई लाइन की शुरुआत होती इस पॉइंट से, तो चलिए यहां से मान लेते ये लाइन की शुरुआत हुई, इसे मैं नाम दे देता हूं पी, ठीक है, और इधर नाम दे देता हूं क्यू। तो पी ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है और इधर ये जो लाइन बढ़ रही है ये लाइन कितनी भी आगे बढ़ सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ऐसे सेगमेंट या लाइन को हम क्या कहेंगे रे। मींस ओ ए ये आपका रे हो गया, पी क्यू आपका ये रे हो गया। तो चलते हैं तीसरा डेफिनेशन जिसमें है हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अ सेगमेंट हैविंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स और डेफिनाइट एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई एक सेगमेंट है और जिसके दो एंड पॉइंट्स हमें पता है, मालूम है, उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। देखिए उसका एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया और यहां तक ड्रॉ किया, तो देखिए इसे नाम देने जा रहा हूं ए और बी। तो देखिए एक एंड पॉइंट हमें मालूम है कि ए है और दूसरा एंड पॉइंट भी मालूम है हमें बी है, मतलब इस लाइन को अब हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसे सेगमेंट को कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे ए से शुरुआत हुई और बी पे समाप्त, मतलब इस लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसी को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे पी से हम शुरुआत करते हैं और इसको समाप्त कर देते, देखिए इसका एक लिमिट है, इसको समाप्त कर देते क्यू पर, तो इस सेगमेंट को भी हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो पी क्यू भी हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। तो चलते हैं फोर्थ डेफिनेशन, वो है लाइन। तो देखिए लाइन किसे कहेंगे। अ सेगमेंट हैविंग विदाउट एंड पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए लाइन। मतलब एक ऐसा सेगमेंट जिसका हमें एंड पॉइंट्स मालूम नहीं है, मतलब अगर जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ वो आगे बढ़ सकती, कितना बढ़ेंगी हमें पता नहीं है, उसे कहते हैं लाइन। जैसे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए इधर एरो शो कर रहा हूं, इधर भी एरो शो कर रहा हूं, यहां पर मैं नाम देने जा रहा हूं ए और यहां नाम देने जा रहा हूं बी।
अब नाम तो हमने दे दिए ए बी, लेकिन इस लाइन को हम जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते दोनों तरफ, इस तरफ भी राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, अगर दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसे ही कहा जाता है लाइन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका, मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इधर भी एरो शो किया हूं, इधर भी एरो, मतलब ये दोनों तरफ हम लाइन को बढ़ा सकते, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे ही मतलब ये डेफिनाइट लाइन नहीं होती है, इसे कहते हैं लाइन। इसे कोई भी नाम दे सकते, जैसे मैं इसे आर और एस ये नाम देने जा रहा हूं। तो फिलहाल यहां पर ए बी और आर एस ये दोनों लाइन है। तो देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, जिसमें हमारे पास है कॉनकरंट लाइंस। तो देखिए कॉनकरंट लाइंस की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस पासेस थ्रू दी सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉनकरंट लाइंस एंड द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर दो लाइंस पास होती, ये एक लाइन ये दूसरी लाइन, अगर किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा, चलिए और एक लाइन बना लेते हैं हम, ये एक लाइन बना लिए मतलब तीसरी लाइन भी बना ली, तो इस एक ही पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन पास होती है, तो इन लाइंस को कहा जाता है कॉनकरंट लाइंस, इन लाइंस को कहते हैं कॉनकरंट लाइंस, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं। उसी तरह से अगर हमारे पास एक पॉइंट है और यहां से देखिए हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे, उसके बाद ये तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे, ये चौथी लाइन ड्रॉ कर रहे, ठीक है, उसके बाद ये पांचवी लाइन ड्रॉ कर रहे। इस तरह से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते किसी एक सिंगल पॉइंट से, तो इन सभी लाइंस को आप क्या कहेंगे, कॉनकरंट लाइंस। और ये जो पॉइंट होता है बीच में, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस, तो इसे मैं पी नाम दे देता हूं। तो पॉइंट पी हो गया यहां पर पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस, और इन लाइंस को हम कहेंगे कॉनकरंट लाइंस। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हम ज्योमेट्री पर और भी बहुत सारे टॉपिक लेने वाले हैं, और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मैथ्स बाय सुमेध सर।